आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रोल नंबर किस तरह फाइंड करें, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे सीबीएसई के क्लास 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स हैं जिनको रोल नंबर उनका नहीं मिला है, ठीक है। जिनको मिल चुका है उनको डेफिनेटली उनके स्कूल ने प्रोवाइड कराया होगा, ठीक है। तो जिनको नहीं मिला है, ठीक है, तो आज हम एक लिंक है, ठीक है, सीबीएसई नहीं प्रोवाइड कराया है, जिसके थ्रू हम ये चेक करेंगे कि रोल नंबर हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली मिलने वाला है, एंड दूसरी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपने फॉर्म भरे थे, ठीक है, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म थे, उसमें जो डिटेल्स दी थी, ठीक है, एग्जैक्टली वैसी ही डिटेल्स, ठीक है। कितनी डिटेल्स? 4 डिटेल्स, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, योर नेम, योर पेरेंट्स नेम, सारी डिटेल्स देने के बाद आपको आपका रोल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था, ठीक है। तो वो सब तो हम करने वाले हैं हम, ठीक है। अभी हम डिफरेंट टैब पे चलेंगे जिसके थ्रू हम फाइंड करेंगे रोल नंबर। खैर, लीव ऑल दीज थिंग्स, आज हम एक बहुत लाइट डिस्कशन रखेंगे क्योंकि रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है। 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा ऐसा बोला गया है, ठीक है, कि 31 जुलाई से पहले रिजल्ट आएगा। आज 29 जुलाई है, मतलब 2-3 दिन के अंदर आएगा। कमिंग सून बार बार लिखा जा रहा है क्योंकि वो एक तरीके से ब्लास्ट की तरह आपके सामने आएगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड डेफिनेटली आपको कोई कॉल करेगा, आपका फ्रेंड, अगर आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, आपका फ्रेंड आपको कॉल करेगा एंड कहेगा भाई रिजल्ट आ गया, तब आप फिर डेफिनेटली सर्च करने बैठेंगे, लेकिन तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। तो खैर, लीव ऑल दिस थिंग्स, ये सब तो लाइफ के पार्ट हैं, ठीक है, ये सब तो होना ही होगा। तो आइए चलिए चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रोल नंबर फाइंड करूंगा, फिर डिफरेंट न्यूज़ मीडिया, ठीक है। सीबीएसई ने कल एक ट्विटर पे ट्वीट किया जिसको कल रात को मैंने देखा, एंड बहुत ही भयंकर है। आइए चलिए देखते हैं, ठीक है, सब हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो स्टे काम, ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है, फिर जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। पेपर तो दिया नहीं, पेपर देते अगर तब इतना टेंस्ड होते तो समझ में भी आता, जब पेपर दिया नहीं तो टेंशन किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रोल नंबर किस तरह ढूंढना है। ऑलराइट, सो वी आर ऑन दिस टैब, ठीक है। सबसे पहले आप सीबीएसई की वेबसाइट को विजिट करेंगे, इस पर आप न्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ओल्ड पे नहीं मिलेगा, ठीक है। एकेडमिक सेक्शन हो गया है वो, वहाँ पे जब भी कोई सिलेबस में चेंज आता है, जब भी कोई डिफरेंट पैटर्न्स में चेंज आता है, तब वहाँ पे एकेडमिक वेबसाइट पे मिलता है, नहीं तो सब न्यू वेबसाइट पे मिलेगा। बाकी के दोनों ऑप्शन हमारे किसी यूज के नहीं है, दिस इज फॉर एप्लीकेशन, दिस इज फॉर रिजल्ट, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ से आप क्लिक करोगे, ठीक है, जब आप यहाँ आओगे इस टैब पर, तो इसमें आप रोल नंबर फाइंडर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जिससे एक ऑप्शन ओपन होगा एंड जिसके थ्रू आप डायरेक्ट इस लिंक पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी रोल नंबर फाइंड करने की। सर्विस इज अनअवेलेबल, डोंट यू वरी एट ऑल, बिकॉज आप जब तक इसको रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही दिखाएगा, सर्विस इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस टाइम। यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लास 10th में हो तो आप क्लास 10 सेलेक्ट करो, क्लास 12th में हो तो डेफिनेटली आप क्लास 12 सेलेक्ट करो, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग डाटा डेफिनेटली मिनिमाइज होगा या फिल्टर होगा, ठीक है। तो सर्च डाटा, लेट्स गो, लुक दिस वेबसाइट इज वीक, इफ इट डज नॉट ओपन एट वन अटेम्प्ट प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। ये वेबसाइट थोड़ी वीक है, अगर आपसे एक बार में नहीं खुलता है तो दूसरा अटेम्प्ट जरूर ट्राई करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हार मान के बैठ जाओ अभी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स भरनी होगी, ठीक है, सारी की सारी डिटेल्स हमें भरना बहुत ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली ये डिटेल्स आप कैसे भरोगे, ये डिटेल्स भरोगे जिस तरीके आपने रजिस्ट्रेशन में अपनी डिटेल्स भरी थी, ठीक है। जैसे मेरा नाम, ठीक है, अगर मैं अपना नाम फिल करूँ तो वैसे तो मैं अपने नाम में एक ए लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने फॉर्म में डबल ए लगाया हुआ है, ठीक है, जैसे कि ANSHUMAAN, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो डिटेल्स आपने भरी थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, इवन सेम डिटेल्स यहाँ पे वो भरनी है, ठीक है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसको बहुत आपको ध्यान से भरना है, ठीक है, याद करके भरना है कि जिस तरीके आपने डिटेल्स दी थी। ऑलराइट, आपके पास एक स्लिप होगी क्लास 9 की, वो स्लिप को आप जरूर फाइंड कर लो अगर आपको नहीं याद है, ठीक है, अपने डाटा याद नहीं है, ठीक है। तो एक स्लिप आपको मिली होगी क्लास 9 में, वही सेम चीज यहाँ पे आई है, ऑलराइट, अंशुमान मिश्रा यहाँ पे भर दिया मैंने, ठीक है, अपने मदर का नाम भरता हूँ मैं, ठीक है। Alright. Now my father's name. यही आपको भी फिल करना है, ठीक है। एंड ये याद रखिएगा, जो डाटा आपने फिल किया है वही डाटा आप यहाँ पे फिल करिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट DOB. Alright, my DOB is filled now. एंड अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन सर्च डाटा, सर्च डाटा करेंगे, ठीक है। और अब हमें कुछ ही सेकेंड्स के अंदर क्या मिल जाएगा, इसी वीक है, अगर आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है, सो डोंट यू लीव द वेबसाइट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। Alright. Here we go. ठीक है, डिटेल्स आ गई हमारे सामने, ठीक है, ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है। फिर बात करें अगर, तो नेम आ जाएगा, कैंडिडेट नेम, स्कूल नंबर आ जाएगा और स्कूल का नेम आ जाएगा, ठीक है, या ये स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, सारे डिटेल्स एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। डिटेल्स को आप एक बार चेक कर लें वाइसली, ठीक है।
एंड यही डिटेल्स आपकी आएंगी। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द ओनली मेथड टू फाइंड द रोल नंबर, ठीक है। इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, नहीं तो आपको स्कूल को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल को कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस मेथड को ट्राई करिए, वेबसाइट को विजिट करिए, ये सारी डिटेल्स को फिल करिए एंड आपको रोल नंबर मिल जाएगा। अब ये सारी जब चीज़ें खत्म हो गई हैं तो अब एक बहुत ही लाइट डिस्कशन रखते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, किस तरीके चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप एक ट्वीट देख रहे हो, ठीक है, ये एक मीम शेयर किया था कल सीबीएसई ने, कल मैं रात को ये देखा हूँ, ठीक है, मुझे शेयर हुआ था ये, एंड इस पे आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, डोंट बी अ मिनिमम गाय पेरेंट, ठीक है। सब पेरेंट्स और सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज और बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं, ठीक है। जब पेपर नहीं दिए हो तो नर्वस किस बात का, ठीक है, पेपर दिए होते तब नर्वस होते तो समझ भी आता, ठीक है। तो अब जो भी बनेगा, डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस, आपके किस तरीके आपने प्री बोर्ड में परफॉर्मेंस दी थी, डेफिनेटली मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि रेफरेंस ईयर लिए जा रहे हैं, ठीक है, बट रेफरेंस ईयर कुछ नहीं होता, ठीक है, आपका कोई एग्जाम को लिया जाएगा या डेफिनेटली आपके बिहेवियर या एटीट्यूड को लिया जा सकता है, ठीक है, एंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इट्स ऑल इन द हैंड ऑफ अ स्कूल एंड सीबीएसई, दोनों के ही हाथ में है, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजल्ट डिले क्यों हुआ, ठीक है, सबसे बड़ी एक बात यह है कि रिजल्ट डिले कैसे हो गया। बेसिकली क्या हुआ कि कुछ जब स्कूल को पता चला कि स्कूल को रिजल्ट बनाना है, तो स्कूल ने कुछ अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, 90 की भरमार लगा दी, ठीक है, 90 के खूब सारे स्टूडेंट्स बना दिए, 90%, 90%, 90%, जिसके लिए सीबीएसई ने वापस रिवाइज करने को कह दिया रिजल्ट को, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली क्लास में हर कोई 90 ले आए, ठीक है, ऐसा मुंबई में हुआ था, कारण रिजल्ट डिले हो गया, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को 90 मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे आईसीएसई पैटर्न की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली उनका रिजल्ट आया है, ठीक है, तो उसमें बताया जा रहा है कि 90 बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला है, ठीक है, तो 90 हर किसी को तो नहीं मिलने वाला, ठीक है, हर किसी को तो नहीं मिलने वाला, ये उसके असेसमेंट के बेस पे है, ठीक है, जिसका प्री बोर्ड अच्छा हुआ होगा, जिसका रेफरेंस ईयर अच्छा होगा, उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट डेफिनेटली जब स्कूल अपने हिसाब से बनाएगा, टीचर अपने हिसाब से बनाएगा, तो थोड़े ना थोड़े तो प्रॉब्लम निकलेगा ही निकलेगा। अब बात करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट जैसे कि कुछ न्यूज़ मीडियाज हैं, वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या लगता है कि कब तक रिजल्ट आएगा। देखो, अगर मैं सच बताऊं तो कोई भी ऐसी वेबसाइट है बस केवल सब लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, ठीक है, जैसे 51 मिनट्स एगो, ठीक है, बस ये लोग ऐसे ही क्या कर रहे हैं कि अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है, बस अपडेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे, बस ये कह रहे हैं कि रिजल्ट विल बी कमिंग वेरी सून, रिजल्ट विल बी कमिंग वेरी सून, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बस वो छोटे छोटे अपडेट्स दे रहे हैं। काफ़ी सारी भीड़, ठीक है, सर्वर डाउन होने का, वो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं ठीक उसी वेबसाइट पे, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी सारी ट्रैफिक हो जाती है, तो उस ट्रैफिक को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिफरेंट ऐप्स लाइक डिजी लॉकर एंड उमंग भी शायद कोई ऐप है, एंड डेफिनेटली ऐसे ऐप्स पे हमें मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट। वैसे तो मैं आपको प्रेफर करूंगा बेसिकली आप रिजल्ट पे आओ, ठीक है, डायरेक्ट आप रिजल्ट सीबीएसई की वेबसाइट से चेक करो, ठीक है, जैसे कि ये है सीबीएसई एग्जाम रिजल्ट्स, तो ये वेबसाइट का पार्ट है, यहाँ पे भी कोई रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है, यहीं से आप रिजल्ट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी तो आया नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सीबीएसई रिजल्ट डेट अनाउंस्ड सीबीएसई क्लास 10th, ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 2-2 घंटे की वीडियोज़ हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है, अभी तक पता हमको चल जाता अगर कोई ऐसी डेट फाइनल होती, ठीक है, अभी बस इतना फाइनल हुआ है कि 31st से पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सीबीएसई रिजल्ट वेबसाइट क्रैश्ड एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, तो ऑफकोर्स लोग स्टूडेंट्स चेक करते रहते हैं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर सीबीएसई लेटेस्ट न्यूज़ आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है, बट डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट डेट अनाउंस हो गई है जस्ट टू गेट अ क्लिकबेट होने के लिए आप ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको बस यही बताऊंगा कि कुछ अपडेट्स हैं, कुछ जगह हैं, देखो जैसे अगर हम इस ट्वीट की बात करें तो ट्वीट से हम बस यही इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि बहुत जल्दी आने वाला है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आ सकते हैं, ठीक है, रिजल्ट फिक्स नहीं, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो हमें ये बात क्लियरली पता ही है एंड रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड ही होगा। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हाउ कैन आई चेक सीबीएसई रिजल्ट, ठीक है, तो सीबीएसई डिजी लॉकर पे भी आप चेक कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है एंड डेफिनेटली आप डिजी लॉकर ऐप भी होता है, ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैन सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट विल बी डिक्लेयर 2021, फ्रीक्वेंटली आस्क यही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अभी आप चेक करोगे तो यही क्वेश्चंस हैं एंड बस यही है, ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं आया है पता चला, बस इतना पता चला कि 31st से पहले आएगा, अब 2-3 दिन के अंदर ही आना है, 2-3 दिन के अंदर अब क्या होने वाला है, किस तरीके होने वाला है, अब 2-3 दिन के अंदर किस तरीके रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि बेसिकली आपने पेपर दिया नहीं है, पेपर जो दिया होता है उसे टेंशन होती है, जिसने नहीं दिया उसको क्या टेंशन, ठीक है, एंड अगर आप असंतुष्ट हैं अपने रिजल्ट से, आपको अपना रिजल्ट नहीं सही लगता है, तो फिर आप उसके लिए डेफिनेटली दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, बट वो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि आपको क्लास 11 का भी सिलेबस देखना होगा, आप कॉमर्स लिए हो तो कॉमर्स का, पीसीबी लिए हो तो पीसीबी का, पीसीएम लिए हो तो पीसीएम का, आर्ट्स लिए हो आर्ट्स का, ठीक है, तो वो सारे सिलेबस को देखना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप ये सोचते हो कि आप एग्जाम दे लोगे दोबारा क्लास 10 का, तो काफ़ी हेक्टिक होगा, तो बस
भगवान से ही मनाओ कि एग्ज़ाम में आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करो और ये नौबत ना आए कि आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़े। दोबारा एग्ज़ाम कौन देगा? देखो, जो पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है, जो मेहनत नहीं किया, जो ये सोचा कि भाई रहन दो नहीं हो पाएगा पेपर, कोरोना कोरोना कोरोना, एंड डेफिनेटली पेपर नहीं हुआ, तो उसने अगर 40% की मेहनत की है तो अगर उसे 70% आ जाएगा तो कभी भी क्लेम नहीं करेगा इस बात का, कभी भी क्लेम नहीं करेगा इस बात का कि मुझे पेपर देना है। पेपर के लिए कौन क्लेम करेगा? जो कि ऑफकोर्स 90% की मेहनत किया होगा और उसे 80% मिलेगा, ठीक है, क्लेम वो करेगा, पेपर वो देगा, ठीक है, पेपर वो देगा जिसको ऐसा लगता है कि हमने 90 की मेहनत की और 80 हमें मिला है, ठीक है। तो पेपर वही बच्चे देंगे जिनको ऐसा लगेगा कि उनका परसेंटेज उन्हें सही नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं जो टीचर बहुत पसंद करते थे जिन्हें, तो शायद उन्हें बहुत अच्छे परसेंटेज मिले। तो ऐसी बात नहीं है यार, इतना तो आप ट्रस्ट कर ही सकते हो अपने टीचर्स के ऊपर, एंड डेफिनेटली अब ये चांस तो बनते ही हैं, ठीक है, सब टीचर्स के हैंड में है, तो वो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके मार्क्स मिलना है। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रिजल्ट मेहनत के बल पे नहीं, कुछ ऐसा टाइप का करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप टीचर के बहुत क्लोज रहे होगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इवन आपने 40% की मेहनत की होगी तो क्या, ठीक है, 40% की मेहनत की हो 70% मिल ही जाएगा, ठीक है। तो एवरेज परसेंटेज 99-98 ऐसा गया है ICSE का, ऐसा इसका भी जाएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। एंड जिसको जैसा होगा, ऑल द वेरी बेस्ट, जैसा भी होगा सही होगा, ठीक है, एंड एक्सेप्टेबल होगा। अगर जैसे नहीं एक्सेप्टेबल है तो आप वेबसाइट अगर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। इफ़ एनी स्टूडेंट इज नॉट हैप्पी और इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स ही हैज़ गॉट, ही कैन गिव द एग्जामिनेशन अगेन, ठीक है। तो आप अगेन एग्जाम दे सकते हो, एंड वो सब बात की बातें हैं, ठीक है। काफ़ी सारे टेंशन है, इसलिए स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि एग्जाम बस अच्छे से रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट अच्छे से आ जाएगा तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे हमारे डिस्कशंस थे, एंड जो कि क्लास 11th के ऑल स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। अभी तो क्लास 10th का रिजल्ट आने वाला है, आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो इसलिए मैंने ऐसा कहा, एंड अच्छे से पढ़ाई करो, क्लास 11th अपना अच्छे से दो, ठीक है। अब अगले साल वापस आपका बोर्ड है, तो अगर यहाँ पे नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्लास 12th में मचा डालो, ठीक है। तो बस ये इतना ही था आज के इस वीडियो में। मैं आपको इतना बताऊंगा कि कोई ज़्यादा खास, अगर आपको ये कह रहा है कि रिजल्ट डेट अनाउंस हो गई है अभी तुरंत एग्जैक्टली, तो मत विश्वास करो, रिजल्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, 20-31 से पहले आएगा बस, और रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो किसी के बहकावे में फालतू के व्यूज मत बांटो, एंड अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो क्लिकबेट कर रहा है, ठीक है। अभी रिजल्ट अगर अनाउंस होगा तो डेफिनेटली आपको उसी वक्त पता चल जाएगा, ठीक है। आप मुझे सोशल मीडिया पर ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं आपको डेट अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आप ऐसे टाइप के यूट्यूब चैनल्स पर बिल्कुल ना फंसे, एंड जितनी डिटेल्स थी, जितनी चीज़ें थी बताना, मैंने आपको बता दिया है। कल के ट्वीट से हमें ऐसा लग रहा है कि मिनिमम परसेंटेज नहीं आएगा स्टूडेंट्स का, अच्छे खासे परसेंटेज आएंगे, आपके एक्सेप्ट जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा उससे हैवी ही होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, एंड माय ऑल द बेस्ट विशेस आर विद यू।